ओके हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द डिले, थोड़ा टाइमिंग कंफ्यूजन हो गया था मुझे, दैट इज़ द रीज़न ये डिले हुआ है। ठीक है, तो हम लोग थे हमारे सेकंड चैप्टर पे, दैट इज़ नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। ओके ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम लोग, जस्ट अ सेकंड। चैप्टर वन हो गया, चैप्टर टू, चैप्टर टू में हम लोग नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे थे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हमने देखा हेलो गुड इवनिंग, हेलो मुस्कान, हेलो अतुल, हेलो वंशिका, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, थोड़ा डिले हो गया स्टार्ट करने में, देयर वाज अ टाइमिंग कंफ्यूजन इन माय साइड, मुझे हो गया था गलत फहमी थोड़ा, बट डोंट वरी, अब हो गया है मेरा टाइम वापस, तो वी विल स्टार्ट। नहीं अतुल, ऐसे नहीं होगा कि क्लास नहीं होगा, आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लास नहीं होगा तब, जस्ट गिव मी अ मिनट। आशीर्वाद मिहिर। तो करें स्टार्ट, बिफोर फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट। यस लोपमुद्रा, चलो तो कल हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में पहली चीज देखी थी कि नेशनल इनकम। मुस्कान बेटा आई एम ग्रेट, अब हम लोग करते हैं स्टार्ट, सो वी विल जस्ट स्टार्ट आर टॉपिक और इसी पे डिस्कशन करेंगे आज फटाफट। नेशनल इनकम में सबसे हम लोगों ने पहले देखा था ग्रॉस नेशनल इनकम, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो आपको मिलता है नेट नेशनल इनकम, ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें ग्रॉस नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है ये हम लोगों ने देखा था। वैसे तो मेजर करने के तीन अलग रास्ते होते हैं, बट एग्जैक्टली अगर देश के लोगों की इनकम कैलकुलेट करनी है आपको, तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा जीडीपी, जीडीपी गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। सर वाई गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री, जो भी गुड्स कंट्री में बने हैं उनकी फाइनल वैल्यू लो, जो भी गुड्स कंट्री में बने हैं उनकी फाइनल वैल्यू लो। सर क्यों फाइनल वैल्यू लेनी चाहिए उन गुड्स की, उन गुड्स की फाइनल वैल्यू इसीलिए लेनी चाहिए क्योंकि फाइनल वैल्यू में सभी की पेमेंट्स इंक्लूडेड होती है। तो अगर किसी गुड्स को बनाने को मुझे लग गए 85 रुपीस और मैं उसे सेल कर रहा हूं, अगर मुझे बनाने में 85 लग गए और सेल उसे 100 में कर रहा हूं, तो उस गुड्स की वैल्यू में 100 ले लूंगा। हेलो दिव्यांश, ठीक है, उस गुड्स की वैल्यू में 100 ले लूंगा। मैं 100 क्यों ले रहा हूँ, उस गुड्स की वैल्यू बहुत सिंपल है। सर 100 में क्या आ गया, 100 में देखो सर मेरा 15 रुपीज का प्रॉफिट आ गया और मैंने बाकी लोगों को जो 85 पे किया है उनकी इनकम भी इसमें इंक्लूड हो गई, दैट इज व्हाई वी टेक द फाइनल वैल्यू। बट ये हो गया जीडीपी, जीडीपी के साथ साथ ये मत बोलो देश में जो लोग हैं उनके पैसे कमाने हैं हमें, देश उनकी इनकम हमें कैलकुलेट करनी है, तो फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, जीडीपी में ऐड करो फैक्टर पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर कोई लोग ऐसे हैं हमारे कंट्री में जो रहते इंडिया में ही है बट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू समवन लिविंग आउटसाइड द कंट्री और वहां से पेमेंट इंडिया में आ रही है, तो इनकम तो इंडियंस की ही हुई, समझा यहाँ पे, ठीक है। ये सब हम लोगों ने कल देखा था, उसके बाद हमने देखा था
जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ये वाला एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिया था कि अगर एक बंदा कंप्रेसर वन बना, कंपनी वन कंप्रेसर बनाती है, 4,000 में बनाती है, 5,000 में कंपनी टू को बेच देती है, कंपनी टू उस कंप्रेसर को अपने फ्रिज में लगाता है, तो कंपनी टू पे करता है वेजेस, रेंट और मटेरियल के लिए 15,000 प्लस इस कंप्रेसर के लिए 5,000, तो कंपनी टू बोलता है हमारा खर्चा हो गया 20,000, इसीलिए हमारी सेलिंग प्राइस होगी, 23,000। तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे कि कितने के गुड्स बने हैं तो सिर्फ 23,000 लेंगे क्योंकि उसमें ये 5,000 इंक्लूडेड है, ये भी हम लोगों ने कल देख लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे द नेक्स्ट थिंग। अब हम देखेंगे द नेक्स्ट थिंग कि सर नेशनल इनकम मेजर कैसे की जाती है। तो हम लोगों ने देखा था देर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। द फर्स्ट इज द मोस्ट लॉजिकल मेथड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या देखना है सर, हमें जीडीपी देखना है। जीडीपी मतलब कितने गुड्स बने हैं, कितने रुपीज के गुड्स बने हैं हमारी कंट्री में थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। तो पहला मेथड है सर, एक काम करो ना, आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन गुड्स बना रहा है और उन्होंने टोटल कितने के गुड्स बनाए, खत्म। इसमें आप क्या करो, जैसे कि अगर इंडिया में 100 प्रोड्यूसर्स है, इंडिया में अगर 100 प्रोड्यूसर्स है जो फाइनल गुड्स या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मिनट, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, और 500 प्रोड्यूसर्स है जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। सर इंटरमीडिएट मतलब रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स। ये 500 प्रोड्यूसर्स अपना सारा रॉ मटेरियल या गुड्स इनको बेचते हैं, ये उसमें से फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो ये जो 100 लोग है इन्होंने कितने वैल्यू के फिनिश गुड्स बनाए वो ले लो, आपको पता चल जाएगा वैल्यू एडेड कितना हुआ। या फिर उन्होंने बोला बहुत सिंपल है, कंपनी वन, कंपनी टू, कंपनी थ्री, कंपनी फोर। कंपनी वन ने गुड्स बनाए 3,000 रुपीज के, बेच दिए कंपनी टू को। कंपनी टू ने ये 3,000 के गुड्स लिए और उस पर वैल्यू एडिशन किया 4,000 रुपीज का। कंपनी टू ने उस पर वैल्यू एडिशन किया 4,000 रुपीज का और वो 7,000 में बेच दिए कंपनी थ्री को। कंपनी थ्री ने 7,000 में लिए, उस पर वैल्यू एडिशन किया अनदर 5,000 का और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू एडिशन करके अपना प्रॉफिट ऑफिट सब मिला लो उसमें, 7,000 और 5,000, 12,000 में कंपनी टू ने ये गुड्स बेच दिए कंपनी फोर को। कंपनी टू ने ये गुड्स बेच दिए कंपनी फोर को 12,000 रुपए में और कंपनी फोर ने इसमें वैल्यू एडिशन किया अनदर 5,000 रुपीज का और गुड्स बेच दिए 17,000 में। तो दोनों प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, एक तो सिर्फ कंपनी फोर का वैल्यू ले लो, कंपनी फोर का ये वैल्यू लेकर जीडीपी में ऐड कर दो, ये एक रास्ता है। इनकी वैल्यूज मत ऐड करो, इसने भी 3,000 के गुड्स बनाए वो ऐड मत करो क्योंकि वो किसी और का इनपुट बन रहा है। इसने भी 37,000 के गुड्स बनाए ऐड मत करो, इसने भी 12,000 के गुड्स बनाए ऐड मत करो, डायरेक्टली जीडीपी में ये ले लो। या फिर आपको वैसे नहीं करना है, इसने कितने के गुड्स बनाए 3,000 के, वेरी गुड, इसने उसमें वैल्यू एडिशन कितना किया 4,000, इसलिए इसे वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। इसने उसमें वैल्यू एडिशन कितना किया 5,000 का, इसने 7,000 के गुड्स खरीदे बट वो मत पकड़ो, हाँ ठीक है, क्योंकि देखो C3 तक आने तक ऑलरेडी उन गुड्स की वैल्यू 7,000 हो चुकी है जो हमने यहाँ पे ले ली, समझा यहाँ पे। और फिर C4 ने कितना वैल्यू एडिशन किया अनदर 5,000 का, 5 और 5 10 10, और ये हो गया 17,000। दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो, अल्टीमेटली आंसर में जीडीपी में 17,000 ही ऐड होगा क्योंकि गुड्स 17,000 के बने हैं। दिस वर द टू मेथड्स, समझा। और इसमें हम प्रोडक्ट मेथड में जनरली पहले एक 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 प्रोड्यूसर का कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री का भी कैलकुलेट करते हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज का भी कैलकुलेट करते हैं कि इन्होंने हमारे देश में कितना कितना बनाया, समझा। इसके बाद हम जाते हैं सेकेंड मेथड पे, एंड दैट सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज, अच्छा, प्रिकॉशंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से लेते हो कि याद रखो, डबल एडिशन मत कर देना, पिछले साल के गुड्स की वैल्यू इस साल ऐड मत करना, जो इस साल प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं को ऐड करना। स्टॉक अप्रिशिएट हो जाता है कभी कभी, फिनिश गुड्स मेरे पास पिछले साल पड़े थे, इस साल उनकी वैल्यू बढ़ गई, वो मत लेना, क्योंकि एक बात समझो, स्टॉक अप्रिसिएशन का लॉजिक समझो, पिछले साल मेरे पास 1,000 रुपीज के फिनिश गुड्स बचे हुए थे, पिछले साल मेरे पास क्या बचा था बच्चों, 1,000 रुपीज के फिनिश गुड्स बचे थे, जस्ट पड़े पड़े उनकी वैल्यू हो गई 1,500। तो तुरंत 500 रुपए ऐड मत करो क्योंकि ये मैंने किसी को अब तक पे भी नहीं किया है। हाँ, अगर मैं इसको सच में बाद में 1,200 में बेच दूं तो वो 200 रुपए इनकम में ऐड हो जाएंगे जब बेचूंगा तब, जस्ट बिकॉज स्टॉक पड़ा है। स्टॉक पहले 1,000 रुपए का था, अब 1,500 का हो गया, मैंने बेचा ही नहीं है, मैंने बेचा नहीं है,
तो जस्ट बिकॉज अप्रिशिएट हो गई है 500 रुपए ऐड मत कर देना, ये याद रखना, समझा यहाँ पे। ये था दूसरा प्रिकॉशन, तीसरा सॉरी प्रिकॉशन और लास्ट इज प्रोडक्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी गुड्स बना रहे हो तो उसकी भी मार्केट वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये मत सोचना कि सर हम सिर्फ बेचने के लिए बना रहे, वही वाला हम लोग लेंगे। नेक्स्ट अब जाते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड और भी सिंपल है। एक्सपेंडिचर मेथड बोलता है जितने भी लोग हैं इस देश में, ये देखो प्रोडक्ट मेथड में हम प्रोड्यूसर के पास गए, प्रोडक्ट मेथड में हम किसके पास गए, प्रोड्यूसर के पास। तूने कितने का बनाया, तूने कितने का बनाया, तूने कितने का बनाया। सर मैंने जो बनाया वो किसी और का रॉ मटेरियल है, ठीक है फिर आपका नहीं पकड़ेंगे, जिसका वो फिनिश गुड्स बनाया उसका ही पकड़ेंगे। या फिर सर मैंने जो वैल्यू एडिशन की बस उतनी मैं बता देता हूँ, हर एक की वैल्यू एडिशन ऐड करो, समझ जाएगा। इन्होंने बोला अगर आपको उनके पास नहीं जाना है, किनके पास नहीं जाना है जो गुड्स बना रहे हैं, तो जो उन गुड्स को खरीद रहे हैं उनके पास चले जाओ, ठीक है। कौन खरीद रहा है, हम, मैं गुड्स खरीदता हूँ, गवर्नमेंट गुड्स खरीदती है, बहुत लोग गुड्स खरीदते हैं, समझा यहाँ पे। तो दूसरा रास्ता ये है, अब मुझे इनकम ही निकालनी है ना लोगों की, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो किसी और का इनकम है। डू यू ऑल अग्री, जो मेरा एक्सपेंडिचर वो किसी और का इनकम, यस और नो, यस, जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो किसी और का इनकम है। तो इन्होंने बोला कि सर आपको इनकम ही कैलकुलेट करना है ना, एक काम करो लोगों की एक्सपेंडिचर गिनो। अगर कल्पक सर ने 500 रुपए खर्चा किए हैं तो ये 500 रुपए किसी और की इनकम जरूर है। डू यू अग्री, एक्सपेंडिचर मेथड का लॉजिक समझा, एक्सपेंडिचर मेथड का लॉजिक समझा। ये है हमारा प्रोड्यूसर और ये है हमारा बायर। हम लोग फिनिश गुड्स की वैल्यू लेना चाहते हैं। हम जब जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स और फाइनल प्रोडक्ट। इस प्रोड्यूसर ने कितने के गुड्स बनाए हैं, एक तो इसको पूछो प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसको पूछो तूने कितने में बाय किया भैया। ये बोलता है सर मैंने ये प्रोड्यूसर का गुड्स 175 रुपीज में बाय किया, मिल गए ना वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। तो इसने कितने में बाय किया, इसका एक्सपेंडिचर कितना, वो ऐड कर लो आपको पता चल जाएगा। इसके जैसे सारे बायर्स का मिलकर एक्सपेंडिचर ऐड करो, आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा आपको, क्या पता चल जाएगा अगर सारे बायर्स का एक्सपेंडिचर ऐड कर दो तो सारे सेलर्स ने कितना पैसा कमाया है ये पता चलेगा। यस और नो, सारे सेलर्स ने कितना पैसा कमाया है ये पता चलेगा। ओके ठीक है चलो। सो द एक्सपेंडिचर मेथड, एवरीवन यहां तक आ गए सब लोग मेरे साथ, ओके चलो। द एक्सपेंडिचर अप्रोच मेजर्स नेशनल इनकम एज अ टोटल स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशन ड्यूरिंग अ ईयर। द एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या बोल रहा है, नेशनल इनकम एज टोटल ऑफ स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला मेथड क्या बोलता है बच्चों, ये वाला मेथड बोलता है कि स्पेंडिंग कितना हुआ जो इंडिया में बने गुड्स उनके ऊपर। सर जो गुड्स इंडिया के बाहर बने, फॉर एग्जांपल मैंने एक लैपटॉप खरीदा जो मेड इन चाइना है, तो ये ऐड ही मत करो। मैंने जो लैपटॉप खरीदा है वो मेड इन चाइना है, तो इस पे सिर्फ यहाँ का जो डीलर है उसका जो प्रॉफिट है वही ऐड होगा, क्योंकि चाइना में बना है लैपटॉप तो फैक्टर पेमेंट्स चाइना में दी गई होगी। इसीलिए याद रखना एक्सपेंडिचर मेथड में ये मत भूलना कि मेरा पूरा एक्सपेंडिचर ऐड कर लिया जाएगा, ना मेरा पूरा एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करेंगे वो लोग। मैंने जितना भी स्पेंड किया है उसमें से मैंने इंडिया में बने हुए कितने गुड्स बाय किए। अगर ये मेड इन चाइना लैपटॉप इंडिया में बना है, सर मेड इन चाइना लैपटॉप इंडिया में कैसे बन सकता है, देखो उसका आधे से ज्यादा काम चाइना में हुआ बट बचा हुआ असेंबली इंडिया में हुआ, तो जितना काम इंडिया में हुआ है वही ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। सो द एक्सपेंडिचर अप्रोच टू मेजरिंग नेशनल इनकम इज टू ऐड अप ऑल एक्सपेंसेस मेड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट मार्केट प्राइस बाय हुम। अब एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर खर्चा कौन कौन करता है हमारे देश में। हाउस होल्ड मतलब आप और मैं, हम घर वाले लोग, हम घर के लिए चीजें खरीद के लाते हैं, जो भी खरीद के लाते हैं हम घर के लिए, उसमें से जो इंडियन गुड्स हमने खरीदे हैं वो फर्म्स भी खरीदती है। बिजनेसमैन खरीदता नहीं है क्या गुड्स, ऑब्वियसली यस, फर्म्स भी खरीदती है, गवर्नमेंट भी बाय करता है। डू यू अग्री कि गवर्नमेंट भी बाय करता है, यस ठीक है। टोटल एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल आउटपुट इज द सेम ऑफ फोर ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर्स। चार लोगों के एक्सपेंडिचर्स हमें ऐड करने हैं। सी दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपके और मेरे जैसे कॉमन मैन ने जो गुड्स बाय किए हैं,
आई दैट इज इन्वेस्टमेंट, फर्म्स ने जो गुड्स बाय किए हैं, फर्म्स पर्सनल यूज के लिए नहीं बाय करते हैं। मेरा अगर एक बिजनेस है तो मैं जो भी बाय करूंगा इस बिजनेस के लिए, फर्नीचर हो या फिर असेट्स हो, जो भी हो वो मेरी असेट्स होंगी, सॉरी, मैं जो भी बाय करता हूँ फर्म के लिए, रॉ मटेरियल भी हो तो वो मेरा करंट असेट होगा, और मैं अगर फर्नीचर बाय कर रहा हूँ तो मेरा फिक्स्ड असेट होगा। तो फर्म्स जो बाय करती है वो इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट भी बाइंग करती है, एंड लास्ट वाला नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अब ये वाला जो है ना एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये हम लोग देखते हैं एंड में कि क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, इससे कैसे हमें एक्सपेंडिचर पता चलता है, समझा? सो इधर ध्यान दो, ये याद रखना, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से जीडीपी इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। एक्स इज एक्सपोर्ट, एम इज इंपोर्ट, समझा यहाँ पे? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब क्या सर, हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। सर जीडीपी मतलब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब इस देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया। सर पहला रास्ता क्या था? इस देश के अंदर जो भी गुड्स बने हैं उनकी वैल्यू ऐड कर लो। सर ये नहीं चाहिए। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि इस देश में लोगों ने इस देश में बने हुए गुड्स पे कितना स्पेंड किया है, समझा? इंडिया में बने हुए गुड्स पे लोगों ने कितना स्पेंड किया है सब ऐड कर दो, ठीक है? हालांकि ये थोड़ा मुश्किल रास्ता है। आप क्यों? क्योंकि इंडिया में बने हुए बहुत सारे गुड्स अब्रॉड भी बिकते हैं, आपको उनको भी जाके पूछना पड़ेगा, समझा कि नहीं समझा? एक्सपेंडिचर मेथड थोड़ा मुश्किल क्यों है, समझा गया? देखो ऊपर वाले मेथड में डायरेक्ट फैक्ट्रीज को जाके पूछो या कंपनीज को जाके पूछो, तूने कितने के गुड्स बनाए, कितने के गुड्स बनाए, कितने के गुड्स बनाए। बट इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, मेरे एरिया में एक छोटा सा बेकरी है, गवर्नमेंट उसको जाके थोड़ी पूछती है कि तूने कितने के गुड्स बनाए, बट फिर भी एक अंदाजा निकाल लेती है गवर्नमेंट कि यार इतनी बेकरीज ने मिलकर इंडिया में कितना ब्रेड बेचा होगा, कितने बिस्किट्स बेचे होंगे, कितने टोस्ट बेचे होंगे, सब कुछ अंदाजन होता है। ये कोई एग्जैक्ट फाइनल फिगर नहीं मिल रहा है कि एग्जैक्ट इतने रुपीज कमाए हमारे देश के लोगों ने, समझा? सो एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी? एक्सपेंडिचर मेथड में बच्चों हम जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल था। एक्सपेंडिचर मेथड में हम जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए क्या लेते हैं? ओके, एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि लोगों ने कितना कमाया, ये कैलकुलेट करने के लिए बायर्स ने कितना स्पेंड किया, ये आप ले लो, समझा? सो पहला आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। आप खुद बोलो हमारे देश में सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हमारे जैसा कॉमन मैन ही करता है। फर्म्स क्या बाय करती है? असेट्स वगैरह ही बाय करती है और रेगुलर बेसिस पे रॉ मटेरियल बाय करती है। गवर्नमेंट भी जरूरत पड़ने पर बाय करती है, समझा? यहाँ पे सबसे ज्यादा आप, मैं, हमारे जैसे कॉमन मैन, ये फर्म्स के ओनर्स भी घर के लिए सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, समझा? यहाँ पे सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द बिगेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम। एमसीक्यूज है तो ये भी याद रखना चाहिए। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड टू फाइनल कंज्यूमर ड्यूरिंग द ईयर। किसको? फाइनल कंज्यूमर को। कोई फाइनल कंज्यूमर का मीनिंग बता सकता है क्या? हु इज अ फाइनल कंज्यूमर? फाइनल कंज्यूमर जो प्रोडक्ट लेता है उसको इस्तेमाल करने के लिए,
बच्चों मैं एक शॉपकीपर हूँ हु इज बाइंग फॉर, वेरी गुड साक्षी, फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, मिहिर हु बाइज द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यस, बट फिनिश्ड प्रोडक्ट जो एक साक्षी ने बोला वो ये वर्ड आप दोनों भी उसमें ऐड करो आपके आंसर में, क्या फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो भी बंदा प्रोडक्ट लेता है उसको ओपन करके यूज करने के लिए उसे ही फाइनल कंज्यूमर बोला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे जो बॉयज है वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक क्या देना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट, मोबाइल फोन, ठीक है, एक महंगा सा मोबाइल फोन खरीद रहे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है, बहुत प्यार है तुमको अपनी गर्लफ्रेंड से, तो आप आपकी गर्लफ्रेंड के लिए एक महंगा मोबाइल फोन खरीद रहे हो, एप्पल iPhone 13 Pro Max, क्या होता है उसका मुझे नहीं पता नाम कैसे होता है, तो आप क्यों खरीद रहे हो? अच्छा, सबसे पहले तो वो फोन मैंने खरीदा, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं खरीदा मैंने, मेरा शॉप है, प्लीज ध्यान दो, मेरा शॉप है, ये अतुल, मेरा शॉप है, मैंने वो एप्पल iPhone 13 Pro Max खरीद के अपने शॉप में डिस्प्ले पे रखा, सो एम आई बाइंग इट, यस, एम आई बाइंग इट, यस, बट एम आई बाइंग इट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ना, आई एम नॉट बाइंग इट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर अ पर्सन लाइक यू टू कम एंड बाई इट फॉर वट एवर रीजन यू वॉन्ट, ठीक है, तो आप आते हो मेरे पास और बोलते हो सर एप्पल iPhone 13 Pro Max आपकी गर्लफ्रेंड आपका हाथ पकड़ के आपके साथ आई है, समझा यहाँ पे, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ आपका हाथ पकड़ के आई है, ठीक है, अब यहाँ पे तो सिर्फ हाथ ही पकड़ा अब तक उसने, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, सो बिकॉज उसको पता है आप उसको एप्पल iPhone 13 Pro Max लेके देने वाले हो, मतलब यू लवर अ लॉट, आजकल की जिंदगी जनरेशन में होता है शायद, जितना महंगा गिफ्ट है उतना ज़्यादा प्यार, ठीक है, सो आपकी गर्लफ्रेंड को अंदाजा आ गया कि आप उसको एक फ़ोन लेके देने वाले हो, आपने एप्पल iPhone 13 Pro Max खरीदा और उसको दे दिया, खरीदा आपने है, बच्चों सच्चा प्यार है तुम्हारा, शादी भी होगी, 6-7 बच्चे भी हो जाएंगे, टेंशन मत लो, वो आपका एप्पल आईफोन लेके भागने वाली नहीं है, समझा, यहाँ पे सम स्टोरीज एंड इन अ गुड मैनर ऑल्सो, ठीक है, तो एप्पल फोन वो फोन लेके नहीं भागने वाले, इसीलिए तो आप दे रहे हो ना, जब आपको भरोसा है तभी दोगे आप, समझा, ठीक है, सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हाँ, तो अब एक बात बताओ, खरीदा आपने, उसका यूज करने वाला है वाली है कोई और, दैट इज योर गर्लफ्रेंड, बट फिर भी आप जब उसे खरीद रहे हो आप उसे आगे बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, ठीक है, आप उसे आगे बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो, आप क्यों खरीद रहे हो उसको, उसको किसी और को गिफ्ट दो या फिर आप खुद उसको ओपन करो, उसको इस्तेमाल करने के लिए खरीद रहे हो, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर, दैट इज फाइनल कंज्यूमर, जो अपने लिए या किसी और के लिए उसे बाय करता है इस्तेमाल करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे, फर्म्स जो होती है फर्म्स, उन्हें रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, उसके अलावा असेट्स खरीदते हैं, उसके अलावा बहुत सारी, अच्छा हम जो घर में इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना वो भी जीडीपी का पार्ट बनेगी, क्योंकि कोई ना कोई उसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर मैं एक फर्म हूँ, मैंने मशीन्स खरीदी, फर्नीचर खरीदी, लैंड खरीदा, इलेक्ट्रिसिटी बाय कर रहा हूँ हर महीने, रेंट पे कर रहा हूँ, ऑल दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इज यूज ऑफ टूडेज रिसोर्सेज टू एक्सपेंड टूमोरोज प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा खर्चा जो मैं आज अगर कर दूं तो इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, तो मैंने अगर रॉ मटेरियल खरीद लिया, खरीदा आज है, मैं इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके जब बेचूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा, मतलब मैं आज खर्चा कर रहा हूं, ताकि इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? खर्चा आज, और इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बाय बिजनेस फर्म्स ऑन न्यू प्लांट एडिंग टू द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह खरीदना एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस ऑल्सो। बच्चों आप जब घर बनाते हो ना तो वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं। इसके बाद आती है हमारी प्यारी गवर्नमेंट, इसके बाद आती है हमारी प्यारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम। सबसे ज्यादा चीजें हम कंज्यूमर्स खरीदते हैं और हमारे बाद गवर्नमेंट खरीदती है। गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करती है और बहुत सारी चीजें खरीदती है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट के पास लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड है, उनके लिए बहुत कुछ खरीदना पड़ता है। गवर्नमेंट को ऑफिस बनाने के लिए, और देखो ये सारे एम्प्लॉयज जहाँ बैठते हैं उन ऑफिस में फर्नीचर लगता है, उन ऑफिस में कंप्यूटर्स लगते हैं, इन एम्प्लॉयज के लिए भी गवर्नमेंट कुछ एम्प्लॉयज को घर देती है तो घर खरीदती है गवर्नमेंट, समझा, कुछ एम्प्लॉयज को गाड़ियां दे देती है, मोबाइल फोन, क्या नहीं देती गवर्नमेंट इन्हें सर्विसेज, समझा, यहाँ पे इट इंक्लूड्स ऑल द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन करेंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट वाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, ठीक है। अब इसमें क्या लोगे और क्या नहीं लोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अब आप इस पे लोगे कि गवर्नमेंट ने इस साल ट्रांसफर सॉरी करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स कितने हैं। गवर्नमेंट भी गुड्स बनाता है डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, गुड्स मतलब इंक्लूड सर्विसेज ऑल्सो, ओके सॉरी एंड सर्विसेज दिया है ना। हाँ मैंने सिर्फ गुड्स अंडरलाइन किया, मैं भी परेशान बच्चों। गवर्नमेंट हमें रेलवे की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट हमें फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा है, समझा। बट ट्रांसफर पेमेंट जो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट पेंशन पे कर रहा है, समझा सर। पेंशन को क्यों ना पकड़े हम, क्योंकि वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में वैसे भी इंक्लूड हो जाएगी, समझा। यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स है जिनके लिए गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिला। एक बात समझो, मैं गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ, समझा। यहाँ पे तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, मेरे ऊपर जो स्पेंड कर रही है, दैट इज डिफरेंट। मुझे जो सैलरी दे दी है ना, ठीक है, वो इधर एक तो ऐड कर रहे हो तो इधर इधर ऐड कर दो, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा। बट फिर मेरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी अगर आप ऐड करोगे तो मेरी सैलरी डबल डबल ऐड हो गई। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। गवर्नमेंट जो मुझे सैलरी दे रही है, इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट। वाई ट्रांसफर पेमेंट? गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा ले रही है और सैलरी मुझे दे देती है। तो अगर मेरी सैलरी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में दिखा देगा, गवर्नमेंट अगर मेरी सैलरी, मेरा पेंशन जो भी मुझे मिलने वाला है, मैं रिटायर हो गया और अब मैं पेंशन ले रहा हूँ, बच्चों ये सब तो मैं स्पेंड करूंगा ही ना, समझा कि नहीं समझा। ये सब तो मैं स्पेंड करूंगा ही, तो गवर्नमेंट गुड्स बनाने के लिए जो जो खर्चा कर रही है करंट प्रोडक्शन पे, क्योंकि पिछले साल का तो पिछले साल ऐड हो गया होगा गवर्नमेंट ने जो भी स्पेंड किया। सो ट्रांसफर पेमेंट्स, गवर्नमेंट ने जो भी पेमेंट्स यहाँ से लेके वहां दिए है, जैसे पब्लिक से लेके मुझे दे दिए, वो नहीं आएंगे। गवर्नमेंट ने जो जो स्पेंड किया है वो आएगा, समझा यहाँ पे, ठीक है सर। बट आप तो बोल रहे हो ये एक्सपेंडिचर मेथड है ना। हाँ तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो तो आपकी इनकम है। हम एक्सपेंडिचर मेथड ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ने आपको सैलरी दी। देखो यहाँ पे लॉजिक समझो, गवर्नमेंट कल्पक सर को सैलरी दे रहे हैं, गवर्नमेंट कल्पक सर को सैलरी दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, कल्पक सर के लिए इनकम है। तो आप बोल रहे हो सर एक्सपेंडिचर मेथड है तो ये एक्सपेंडिचर ऐड हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि कल्पक सर की ये जो इनकम है, कल्पक सर इस इनकम को क्या करेंगे, स्पेंड ही करेंगे ना, तब ऐड होने ही वाला है। तो कल्पक सर ने इस साल जितना स्पेंड किया है वो नेचुरली भी ऐड हो जाएगा, इसीलिए ये वाला गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मत लो, विच इज अ ट्रांसफर पेमेंट। हाँ गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, बट दैट एक्सपेंडिचर इज माई इनकम एंड आई विल स्पेंड इट। व्हेन आई स्पेंड इट, इट बिकम्स माई एक्सपेंडिचर एंड इट विल बी एडेड एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मुझे जो पैसे मिल रहे हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में मिले, मैं खर्चा करूंगा तब ऐड हो जाएंगे, समझा। सो ट्रांसफर पेमेंट्स मत लेना क्योंकि ये किसी ना किसी की इनकम बन के वो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, तब ऐड हो ही जाएगा। कर लो एवरीवन, समझा। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स आर डिफाइंड एज टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स। नेशनल इनकम कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड इज द सम ऑफ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस ऑन प्लांट्स, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो नेट एक्सपोर्ट का मीनिंग क्या दिया है इन्होंने, नेट एक्सपोर्ट का मीनिंग इन्होंने क्या बोला है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक बात समझो बच्चों, ऐसा क्यों किया हमने, देखो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, एक्सपोर्ट जो हम करते हैं, दोज आर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। एंड इंपोर्ट जो हम करते हैं, दोज आर गुड्स प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया, दोज आर गुड्स प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया। अब एक बात समझो, हमने ऊपर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया। मैं एक बंदा, एक इंडियन हूं और इंडिया में मैं बहुत सारी चीजें खरीद रहा हूं, इंडिया में मैं बहुत बहुत सारी चीजें खरीद रहा हूं। मैंने इस साल एक लैपटॉप, एक फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन और बहुत कुछ खरीदा। इसमें से कौन से गुड्स इंडिया में बने थे और कौन से इंडिया के बाहर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। गवर्नमेंट ने बोला तुम्हारा एक्सपेंडिचर बताओ, या गवर्नमेंट ने पूरे स्टेट से, सारे सिटीज के गवर्नमेंट ऑफिसर्स से इंफॉर्मेशन मंगाई कि लोगों ने कितना स्पेंड किया है बताओ मुझे। तो अब स्पेंड कितना किया है लोगों ने, स्पेंड कितना किया है बिजनेसेस ने, ये कैलकुलेट करते हैं कि उनकी टोटल स्पेंडिंग ले ली जाएगी। अब मैंने जो फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह सब खरीदा है, इसमें इंपोर्टेड गुड्स भी और एक्सपोर्टेड गुड्स भी है। डू यू अग्री विद दिस?
मैंने जो भी स्पेंड किया है, मैंने 5 लाख रुपए की चीजें इस साल खरीदी, इसमें से कुछ इंपोर्टेड है कुछ एक्सपोर्टेड है, मुझे नहीं मालूम कौन से इंपोर्टेड है कौन से एक्सपोर्टेड है। मैं सच में क्या फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन पे नहीं देखता हूँ मेड किधर है, और गवर्नमेंट ने मेरे को आज तक आके वैसे भी पूछा नहीं, ध्यान दो ये भी। एक्सक्यूज मी आज थोड़ी तबियत, गवर्नमेंट ने मेरे को ये भी आके पूछा नहीं कि कल्पक सर बताओ आपने कितने कितने गुड्स खरीदे। रही गवर्नमेंट अंदाजा लगा लेती है कि कल्पक सर ने कितना खरीदा है। कैसे बच्चों, मैं मेरा एक बैंक अकाउंट मेंटेन करता हूँ, आपका भी होगा। मेरे बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं हर महीने हर साल, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूँ तो हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, उसमें से जो भी पैसे माइनस हो गए वो मेरा एक्सपेंडिचर है और यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा। डू यू अग्री? ये इन बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस जो भी स्पेंड कर रहा है एक तो P&L में दिख रहा है एक्सपेंडिचर के फॉर्म में, या डेबिट असेट्स में दिख रहा है असेट्स के फॉर्म में। तो क्या हमने जो भी स्पेंड किया है वो गवर्नमेंट के पास है? हाँ है। क्या हमने जो भी स्पेंड किया है उसमें इंपोर्ट्स की वैल्यू इंक्लूडेड है या नहीं है? यस और नो, प्लीज टेल मी उसमें इंपोर्ट्स की वैल्यू है या नहीं है। इंपोर्ट्स की वैल्यू है या नहीं है? मेरे 5 लाख का फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन खरीदा, उसमें इंपोर्टेड गुड्स भी इंक्लूडेड है, और मेरे जैसे पूरी इंडिया में जितने भी लोगों ने गुड्स खरीदे इंपोर्टेड गुड्स है, और देश में कितना इंपोर्ट हुआ है ये गवर्नमेंट के पास एग्जैक्ट फिगर होता है, इंपोर्ट कितना हुआ और एक्सपोर्ट कितना हुआ, क्योंकि वो तो कस्टम्स के थ्रू जाते हैं, हर एक आने वाला और जाने वाला गुड्स जो है वो कस्टम्स के थ्रू जाता है, तो गवर्नमेंट के पास पूरी एक्सपोर्ट और पूरी इंपोर्ट की फिगर होती है। तो नाउ टेल मी, प्लीज टेल मी, क्या मेरे गुड्स, क्या मेरे इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है या नहीं है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, क्या इन तीनों में इंपोर्ट्स है? हाँ, इसीलिए हम उस इंपोर्ट को माइनस कर रहे हैं, इसीलिए हम उस इंपोर्ट को माइनस कर रहे हैं। बट अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझो, हमने इस साल गुड्स एक्सपोर्ट किए 5 करोड़ के, और गुड्स इंपोर्ट किए 3 करोड़ के। हमने गुड्स एक्सपोर्ट किए 5 करोड़ के, इंपोर्ट किए 3 करोड़ के। ये जो गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया के बाहर, ये जो गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं इंडिया के बाहर, दे आर सोल्ड आउटसाइड इंडिया, सोल्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, सो नॉट इंक्लूडेड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया, नॉट इंक्लूडेड इन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया। डू यू अग्री? यस, बट गुड्स तो इंडिया में बने हैं, तो ये तो इनकम में ऐड होनी चाहिए, क्योंकि जो 5 करोड़ के गुड्स इंडिया में बने हैं, प्लीज ध्यान दो, जो 5 करोड़ के गुड्स इंडिया में बने हैं वो इंडियंस की इनकम है, तो इसीलिए हम 5 करोड़ यहाँ पे ऐड करते हैं। बट जो 3 करोड़ के गुड्स बाहर बने हैं वो इंडियंस की इनकम नहीं है, बट यहाँ पे इंक्लूड हो गया था इसीलिए इसे माइनस किया है। समझा क्या? भले इसे एक्सपेंडिचर मेथड बता रहे हैं ये लोग, बट इसमें हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्यों लिया और क्यों माइनस किया, आई होप आपको समझ गया होगा। एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है? जो भी हमने कंजम्पशन किया है फॉर एज अ फाइनल कंज्यूमर। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? जो भी किसने खरीदा है, बिजनेसेस ने खरीदा है, ठीक है, फॉर डूइंग देयर बिजनेस, असेट्स हो, रॉ मटेरियल हो, वो सब आता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सारे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ने इस साल प्रोड्यूस की है एक्सक्लूडिंग ट्रांसफर पेमेंट्स, एक्सपोर्ट इसलिए लिया क्योंकि वो सारे गुड्स इंडिया में बन के बाहर गए, ठीक है, और इंपोर्ट्स इसलिए माइनस किया क्योंकि वो इंडिया के बाहर से आए हैं, तो वो अगर सबके एक्सपेंडिचर में नजर भी आ रहे हैं तो उसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंडिया में बने हुए गुड्स की वैल्यू निकालनी है ताकि हमें इंडियंस का इनकम पता चलेगा। समझा क्या यहां तक ऑल ऑफ यू? बच्चों प्लीज हाथ उठा, व्हाट्सएप शांत क्यों है इतने? ऑल ऑफ यू
अच्छा इसमें एक और चीज बतानी है मुझे, चलो वो भी बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सिंपल सी चीज देखो, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। ठीक है, कंजम्पशन पे पूरे इंडिया के लोगों ने मिले 10 करोड़ खर्चा किए, इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ की हुई, इस पे 5 करोड़ खर्चा हुए, एक्सपोर्ट 3 करोड़ का हुआ और इम्पोर्ट 1 करोड़ का हुआ। समझा यहाँ पे? तो क्या करना है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस करना है। समझा यहाँ पे? अब क्या हुआ, 1 करोड़ के गुड्स इम्पोर्ट हुए थे, मतलब ये बाहर वाले बाहर बने हुए थे, ये बाहर बने थे और इंडिया में इसके ऊपर स्पेंड हुआ है। देखो इम्पोर्टेड गुड्स जब इंडिया में आ रहे तो किसी इंडियन ने खरीदे होंगे, किसी इंडियन ने ये इम्पोर्टेड गुड्स इंडिया में लाके बेचे या किसने भी बेचे, बट जब इंपोर्टेड गुड्स मैं खरीद रहा हूं तो ये मेरी कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, या फिर मैं इंपोर्टेड गुड्स खरीद के एक्सपोर्टेड गुड्स बना रहा हूं तो इसमें भी इंक्लूडेड है। इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू इन सब में इंक्लूडेड है, वो माइनस करनी पड़ेगी बिकॉज इट इज नॉट समथिंग मेड इन इंडिया, और हमें इंडिया में बने हुए गुड्स की ही वैल्यू या इंडिया में जो जो मनी स्पेंड हुआ है इंडियन गुड्स पे, जो भी हमने बाई किया है, इन तीनों ने जो भी इंडियन गुड्स बाई किया है उसी की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए हम इंपोर्ट माइनस करते हैं। समझा यहाँ पे सर? तो यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19 करोड़ हमारा जीडीपी आ जाएगा क्योंकि ये 1 करोड़ माइनस हो जाएगा। सर अगर इंपोर्ट ज्यादा हुआ है हमारे देश में और एक्सपोर्ट कम हुआ है, 10 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो ऑब्वियसली 10 + 2 = 12 एंड 5 = 17 एंड 3 = 20 माइनस 4 = 16 करोड़। इससे पता चल रहा है कि हमारे कंजम्पशन में एक्सपोर्टेड सॉरी इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा थे। कर लो, एवरीवन अंडरस्टूड? तो अगर ये फिगर बढ़िया आ गई तो डोंट वरी, हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इससे हमें पता चलता है कि हमने इंपोर्ट ज्यादा किया तो क्या होता है। आई होप आप समझ गया तुम सबको। ओके चलो, तो प्रिकॉशंस, अब एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंडिचर ऐड करते हुए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड, कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल दी देखो इन लोगों ने बच्चों। एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू करंट ईयर्स प्रोडक्शन। ओके, अतुल ने एक अच्छा सवाल पूछा है, सर रेलवेज प्राइवेटाइज होगी क्या? शॉर्ट में बता देता हूँ, जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मुझे पता है, ध्यान दो इधर, रेलवेज की प्राइवेटाइजेशन में उन्होंने कुछ पार्ट रेलवेज का वैसे भी प्राइवेटाइज किया है, दैट इज द केटरिंग पार्ट, IRCTC को दे दिया है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दिया है कि आप रेलवेज में खाना बेचो। अब ऐसा सुनने में आया है, मुझे याद नहीं है कि 100 ट्रेन्स वो लोग प्राइवेटली चलाने का प्लान कर रहे हैं। जिस किसी बिजनेसमैन को इंटरेस्टेड है, जो जिस किसी बिजनेसमैन को इसमें इंटरेस्ट है वो अप्लाई करेगा, उसे कुछ ट्रेन्स चलाने का मौका मिलेगा, बट जब ये ट्रेन्स चलाई जाएगी तो बेस फेयर गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा। ठीक है, बेस फेयर भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, और तो और कुछ रूल्स गवर्नमेंट बताने वाला है कि मिनिमम क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या रनिंग टाइम होना चाहिए, और ये सब सबको ध्यान देना ही पड़ेगा। समझा यहाँ पे? ठीक है, ओके ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या याद रखना है, सेकेंड हैंड गुड्स मत इंक्लूड करो। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट इंक्लूडेड, दैट दे डू नॉट रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर ऑन करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सर IRCTC की शेयर प्राइस पूरी हाई है शेयर मार्केट में? यस, फिलहाल IRCTC इज ऑन द रन, ओके, इज ऑन द बूम, सॉरी, आई एम सो सॉरी, रन नहीं, इज ऑन द बूम। ओके, तो अब यहाँ पे याद रखो, ये देखो हमें क्या क्या लेना है, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। अब मैंने अगर कोई सेकेंड हैंड चीज खरीदी तो ऑलरेडी किसी ने वो फर्स्ट हैंड खरीदी थी। ठीक है, मैंने डीजे सर से कुछ खरीद लिया, सपोज डीजे सर का मोबाइल फोन मैं खरीद रहा हूं। एक बात समझो बच्चों, जब डीजे सर ने ये मोबाइल फोन खरीदा था तब उनके एक्सपेंडिचर तब 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 एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग डीजे सर शोरूम में गए, डीजे सर ने शोरूम से एक ब्रांड न्यू मोबाइल फोन खरीदा,
तो वो उनकी देखो उनकी एक्सपेंडिचर है वो, तो इस साल की उस साल की इनकम में ऐड हो गया। अब मैं डीजे सर से उनका मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ, समझा, तो इससे किसी की इनकम नहीं हो रही है ना, डीजे सर की इनकम हो रही है, समझा, यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं। हमें जीडीपी में गुड्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनका क्या लेना है, हमें उनका क्या लेना है, जो भी गुड्स हमारे देश में प्रोड्यूस हुए हैं हमको लेना है सिर्फ उनकी वैल्यू, तो सेकेंड हैंड गुड्स मत लेना। और फिर इन्वेस्टमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं, तो ओल्ड शेयर्स अगर आपने खरीदे तो ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स नहीं, मतलब अगर मैं कंपनी से खरीद रहा हूँ, देखो मैं आईपीओ में खरीद रहा हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। आईपीओ में केबी सर ने कुछ शेयर्स खरीदे तो ये पहली बार खरीदे जा रहे हैं। अब केबी सर ने ये शेयर्स बेच दिए सुपान सर को, केबी सर ने ये शेयर्स बेच दिए सुपान सर को। सुपान सर एक बिजनेस फर्म है, सुपान सर की ये इन्वेस्टमेंट है, बट ऑलरेडी ये इन्वेस्टमेंट एक बार ऐड हो चुकी थी, समझा। एंड एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पेंशन ओल्ड एज पेंशन इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज नो प्रोडक्टिव सर्विस इज रेंडर्ड इन एक्सचेंज बाय रेसिपियंट्स ऑफ दीज पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब वो सारे पेमेंट्स जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को दे रही है जिसके बदले में गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इसमें सैलरीज नहीं दिख रही है, तो सैलरीज अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो वो ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा नहीं है, वैसे समझा, यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट का हिस्सा सैलरीज नहीं है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड वी विल गो इज इनकम मेथड। आई होप एक्सपेंडिचर मेथड क्लियरली पता चल गया सब लोगों को। नाउ वी विल गो टू इनकम मेथड। इनकम मेथड इज अनदर ऑल्टरनेटिव वे ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। इट सीक्स टू मेजर नेशनल इनकम एट द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये और भी इंटरेस्टिंग है, एट द फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत लोगों को इसमें मस्त कंफ्यूजन होता है। जो मैंने पहले लेक्चर में समझाया था ना कल के, वही है ये। एक बात समझो, पहला हमारे तीन मेथड्स देख लो, एक बात समझो हमारे तीन मेथड्स देख लो। पहला है प्रोडक्ट मेथड, दूसरा है दूसरा कौन सा मेथड था बच्चों हमारा, ठीक ये गंदा है बहुत, दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड, तीसरा हम लोग अब देखने वाले हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड मैंने आपको कल समझा दिया था मेरे प्रोडक्ट मेथड में ही। प्रोडक्ट मेथड बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट मेथड बोलता है कि जितने भी प्रोड्यूसर्स है, जितने भी प्रोड्यूसर्स है उन्होंने जो फाइनल गुड्स बनाए हैं उसकी जो वैल्यू है वो ले लो, बस खत्म। बट मैंने आपको कल बताया था कि उसकी वैल्यू में वेजेस इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर है ये क्या करेगा, इसकी अगर फाइनल, देखो गुड्स की फाइनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कल आपको एकदम डिटेल में बताया था मैंने, ये अपनी कॉस्ट प्राइस लेगा उसमें प्रॉफिट ऐड करेगा और गुड्स की फाइनल वैल्यू डिसाइड करेगा, यस और नो। इसका मतलब फाइनल वैल्यू में ये सारे पेमेंट्स इंक्लूड हो गए, बस इनकम मेथड में वही करना है हमें, समझा, यहाँ पे इनकम मेथड में हमको वही करना है। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या बोला, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करो, जितना भी लोगों ने स्पेंड किया है। कंजम्पशन में सेकेंड हैंड गुड्स मत लो, इन्वेस्टमेंट में ओल्ड शेयर्स एंड बॉन्ड्स मत लो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ट्रांसफर पेमेंट्स मतलब ऐसे पेमेंट्स जिनके लिए गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा वो मत लो, समझा यहाँ पे। और एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट, क्योंकि वो भी गुड्स इंडिया में बने हैं तो एक्सपोर्ट ऐड कर दो, बट ये जो भी स्पेंडिंग है इसमें वो भी गुड्स इंक्लूडेड है जो इंडिया में इम्पोर्ट हुए हैं वो सब माइनस कर दो, समझा यहाँ पे। अब इनकम मेथड पे जाते हैं, ठीक है, अब इनकम मेथड पे जाते हैं। बहुत सिंपल चीज, ध्यान दो इधर। इनकम मेथड क्या बोलती है, इस देश में जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे आप कोई ना कोई फैक्टर जरूर हो, बच्चों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिस दिन आपकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो जाएगी आप पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। अगर आप जॉब या फिर कुछ कर रहे हो तो आपको जो मिल रही है वो वेजेस होंगी। सर मुझे जॉब नहीं करना है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है उसको मैं रेंट पे दे के या कुछ करके पैसे कमाने वाला हूँ, या सर मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है इसे इन्वेस्ट करके पैसे कमाऊंगा, कैपिटल कैपिटल आप लोगों को देके आप उस पर शेयर वेयर ले रहे हो इंटरेस्ट, या फिर सर मैं अपना खुद का बिजनेस चालू करूंगा। इन शॉर्ट ये जो था ना, ये
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जिसके बेसिस पे फाइनल वैल्यू डिसाइड की है। तो हम क्या करेंगे ना, हम प्रोड्यूसर के पास जाएंगे, प्रोड्यूसर के पास जाके ये नहीं पूछेंगे कि तूने कितने रुपीस के गुड्स बनाए, ना हम इनके पास जाके ये नहीं पूछेंगे कि तुमने किधर किधर स्पेंड किया, ना हम सिर्फ इतना ही देखेंगे सबको मिला के सैलरी कितनी मिली इस साल, सबको मिला के रेंट कितना मिला इस साल, सबको मिला के इंटरेस्ट कितना मिला इस साल, समझा यहाँ पे। मतलब अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या क्या इनकम्स हुई, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या क्या इनकम हुई, बस वो ऐड कर लो, आपको पता चल जाएगा इस देश में टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स कितने बने। बहुत सिंपल है, देखो एक ही चीज हम लोग तीन अलग तरीके से गिन रहे हैं। अगर मैं प्रोड्यूसर के पास गया, प्रोड्यूसर जो फाइनल वैल्यू सेट कर रहा है, प्रोड्यूसर ने फाइनल वैल्यू सेट की 105 रुपए, ठीक है, तो हम 105 रुपए जीडीपी में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो 105 रुपए है इसमें उसकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सारे पेमेंट्स इंक्लूडेड है, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स इतने के गुड्स बने हैं। यही अगर मैं एक्सपेंडिचर मेथड पे जाऊं तो प्रोडक्ट अगर 105 का है तो बाय करने वाला 105 रुपए देगा, बाय करने वाला जो ये स्पेंड कर रहा है 105, ही इज स्पेंडिंग 105 रुपीज, दैट इज समवन एल्सेस इनकम। चलो ना हम प्रोड्यूसर के पास गए, ना इसके पास गए, हम फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास गए और बोला बताओ तुमने वेजेस रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट कितना कमाया, ये ऐड कर दो, वेजेस रेंट इंटरेस्ट इधर, प्रॉफिट इधर, इट इज अगेन नथिंग बट द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, समझा। सो इनकम अप्रोच में हम फेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है ना इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब जो भी पैसे कमाए गए ना वो अकेले सेलर ने नहीं कमाए हैं, समझा। मैं अगर एक सेलर हूं तो मैंने 105 में अगर गुड्स बेचे हैं तो उसे बांटी भी है मैंने इन सबको, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, समझा। और इसीलिए नेशनल इनकम जितनी ज्यादा होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा होगा। पिछले साल नेशनल इनकम थी 100 करोड़, जिसमें से वेजेस थे 50 करोड़, इस साल नेशनल इनकम बढ़ गई, हो गई 150 करोड़, तो वेजेस भी बढ़ जाएंगे क्या, 50 वेजेस भी बढ़ के हो गए 70 करोड़। मतलब द मोर वी अर्न द मोर वैल्यू ऑफ गुड्स वी मेक द फैक्टर पेमेंट्स आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। ये पिछले साल 30 करोड़ का रेंट भरा था, इस साल लोगों ने मिलकर 40 करोड़ का रेंट भर दिया, समझा यहाँ पे। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी इनकम बढ़ रही है, जब जीडीपी बढ़ता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सुधर जाता है, समझा यहाँ पे, दैट इज एट द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एंगेज्ड बाय द एंटरप्राइजेस, ऑब्वियसली प्रोडक्शन करते हो तब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एंगेज करवाते हो, उन्हें पैसे देते हो फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन, एंड एवरी पर्सन इन दिस कंट्री इज वन और द अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आपको कोई ना कोई पेमेंट तो जरूर मिलेगी। पेमेंट क्या मिलती है, देखो जो वर्कर्स है उन्हें वेजेस मिलती है, जिसने फैक्ट्री रेंट पे दी है उसे रेंट मिलेगा, जिसने कैपिटल दिया है उसे इंटरेस्ट मिलेगा, और जो ओनर है उसे प्रॉफिट मिलेगा, समझा यहाँ पे। सो नेशनल इनकम दस में बी डिफाइंड एज द सम ऑफ वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और अगर आप ये देख रहे हो कि पूरे इंडिया में इस साल कितनी वेजेस, कितना रेंट, कितना इंटरेस्ट और कितना प्रॉफिट लोगों ने कमाया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, समझा यहाँ पे, कि अल्टीमेटली कमा के किस में बांटा गया, समझा। रिसीव्ड और अकर्ड to the factors of production in lieu of their services in the production process. Briefly, national income is the sum of all incomes, wages, rents, interest and profits paid to the four factors of production. बच्चों और एक इंपॉर्टेंट चीज, पैसे आप तब तक नहीं कमाओगे until and unless you are not a part of production process. आपको किसी तरीके से production process में enter करना ही पड़ेगा। सर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं आपके पास job करने आता हूँ, मुझे salary दे दो। सर मेरे पास जगह है, rent पे ले लो। मेरे पास capital है, interest दे दो, समझा यहाँ पे। यू कैन बी वन और मोर फैक्टर्स ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जगह है वो मैंने किसी को रेंट पे दे दी, वो उधर फैक्ट्री चला रहा है और मैं खुद दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं जब अपना लेबर प्रोवाइड कर रहा हूँ आई एम बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, समझा, जिसके लिए मुझे वेजेस मिलेगी। सो वेजेस मतलब सिर्फ अब ये वाली वेजेस मतलब सैलरी वैलरी सब एनी फॉर्म में रेम्यूनरेशन, इट इज द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ नेशनल इनकम, याद रखना। अगर आपने मेरा भी एग्जाम्पल देगा, 100 करोड़ में से 50 करोड़ की मैंने वेजेस ही डाल दी, ऐसा क्यों बच्चों, सबसे ज्यादा पैसा अपने को सैलरीज में ही देना पड़ता है, समझा यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज एंड फ्रिंज बेनिफिट्स आल्सो एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आल्सो। जो भी आप सैलरीज पे कर रहे हो, फिर वो सैलरीज हो या वेजेस हो, ऑफिस के लोगों को सैलरीज हो या वेजेस हो फैक्ट्री के लोगों को, या फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स परक्विजिट्स मतलब एक्स्ट्रा चीजें दे रहा हूं मैं अपने एम्प्लॉइज को, तो खर्चा तो उनके ऊपर हो ही रहा है ना मेरा। नेक्स्ट, रेंट्स मतलब इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हाउस होल्डर्स, प्रॉपर्टी होना चाहिए था वो प्रॉपरली नहीं, समझा यहाँ पे। इंटरेस्ट इनकम बाय प्राइवेट बिजनेसेस
इज द इनकम प्राइवेट बिजनेसेस पे टू हाउसहोल्ड हु हैव लेंड द बिजनेस मनी. सर इंटरेस्ट का मीनिंग नहीं समझा. प्राइवेट बिजनेस इज पेइंग टू हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड मतलब आपके और मेरे जैसी फर्म्स. ठीक है, अब ध्यान दो इधर. मेरे पास अगर एक लैंड है, लैंड और या बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग मैं किसी बिजनेसमैन को रेंट पे दे दूं, तो देखो, या फिर चलो एक बात समझो, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इनकम रेंट्स आर द इनकम्स फ्रॉम प्रॉपर्टी रिसीव बाय हाउसहोल्ड्स. बच्चों ये एक बिजनेस है, ठीक है, और इसने एक शॉप मुझसे रेंट पे लिया है. इसने मुझसे एक शॉप, सर अगर मेरे को 1 लाख सैलरी मिलती है तो मुझे कितना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. ओके रुक जाओ अतुल, ये खत्म करने दो मुझे. अब मैं इसको शॉप रेंट पे दे रहा हूँ, या फिर मेरी लैंड रेंट पे दे रहा हूँ, या फिर मेरी बिल्डिंग रेंट पे दे रहा हूँ, एक बात समझो, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, बट जब ये रेंट पे दे रहा हूँ ना, तब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ. मैं कोई बिजनेसमैन की तरह, मेरा रेंट पे देने का बिजनेस भी होगा तो भी मैं एक हाउस होल्ड ही माना जाऊंगा, क्योंकि ये रेंट मैं घर पे ही लेके जा रहा हूँ. समझा, यहाँ पे इसको मैं बिजनेस नहीं ट्रीट कर सकता. दूसरा, इंटरेस्ट क्या होता है, ध्यान दो इधर. ये है जनरली बैंक होगा या फिर म्यूचुअल फंड होगा, समझा, यहाँ पे कुछ भी हो. अब एक बात समझो, बेसिकली बैंक ही लेते हैं हम लोग यहाँ पे. मैं एज अ हाउस होल्ड, मेरे पास जो सेविंग्स है वो सेविंग जाके मैं डिपॉजिट कर देता हूँ बैंक में. मैंने मेरी सेविंग डिपॉजिट कर दी बैंक में, जिस पे बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी, बट यही बैंक जाके ये लोन दे देगी किसको, बिजनेस को. तो बिजनेस इस पे क्या पे करेगा, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट घूम के किसके पास आ जाएगा, हाउस होल्ड्स के पास. इसीलिए उन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट इज द मनी जो बिजनेसमैन हाउस होल्ड्स को पे करता है, बिकॉज हाउस होल्ड्स ने बिजनेस लेंड किया हुआ है. प्रॉफिट्स आर नॉर्मली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, प्रॉफिट्स ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस एंड प्रॉफिट्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एक्सेट्रा. क्योंकि इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जो होते हैं कंपनीज, उनकी एग्जैक्ट प्रॉफिट फिगर हमको मालूम होती है, समझा, यहाँ पे तो सब ने मिलकर कितना पैसा कमाया. तो सारे बिजनेसेस ये तीन चीजें स्पेंड करते हैं और ये घर पे लेके जाते हैं. अब मैं एज अ बिजनेसमैन जो प्रॉफिट मैं घर पे लेके जा रहा हूँ वो मेरी इनकम है, तो वो इस देश के नागरिक की ही इनकम है. तो फैक्ट, और मैं भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूं, आई एम द एंटरप्रेनर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्रेनर, बिकॉज ही इज टेकिंग द रिस्क. ओके ठीक है. नेक्स्ट, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड, क्या याद रखना है. अब आप लोगों की इनकम्स ऐड कर रहे हो, तो जो भी मुझे इनकम मिली है एज अ, मैं अगर जॉब कर रहा हूं तो जो मुझे सैलरी मिली है वो इसमें ऐड हो जाएगी. मैं अगर जॉब कर रहा हूं तो जो सैलरी मिली है वो मुझे ऐड हो जाएगी. येस और नो, डू यू अग्री? हाँ सर. ठीक है, अगर मैंने किसी को रेंट पे दी है मेरी जगह, तो वो मेरी इनकम में ऐड हो जाएगी. बट किसको रेंट पे दी है, मैंने रेंट पे दी है प्राइवेट बिजनेसेस को, समझा, मैंने रेंट पे दी है, सॉरी, रेंट के केस में उन्होंने बिजनेसेस नहीं बोला, रेंट के केस में उन्होंने क्या बोला है, हाउस होल्ड्स को अपनी प्रॉपर्टी से जो भी रेंट मिलता है. तो मैंने अगर मेरा घर किसी इंसान को रहने के लिए दिया है, तो वो भी मेरी रेंटल इनकम में ऐड होगा. रेंट की केस में उन्होंने ये नहीं बोला है कि जो रेंट आप बिजनेसमैन से ले रहे हो वही, नहीं, आपको जो भी रेंट आ रहा है वो इनकम में ऐड हो जाएगा. प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, सबसे पहले ट्रांसफर पेमेंट सच एज गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम. इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर्विस टैक्स, जीएसटी वगैरह. तो गिफ्ट, डोनेशन और स्कॉलरशिप्स मत लो. क्यों बच्चों, इनकम की बात कर रहे हैं. ठीक है, जो पैसा मैंने कमाया है, एक बात समझो, मैं अगर किधर जॉब करता हूँ और वहां पे मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिलती है, तो ये मेरी इनकम है और ये वेजेस में ऐड हो जाएगी, इस देश में टोटल वेजेस में ऐड हो जाएगी, समझा यहाँ पे. अब इस 1 लाख रुपए में से मैं किसी और की गर्लफ्रेंड को, मेरी वाली को नहीं, ठीक है, मेरी वाली गर्लफ्रेंड गिफ्ट नहीं मांगती, ठीक है, मैं अगर किसी और की गर्लफ्रेंड को, अब किसी भी लड़की को अगर गिफ्ट दे दो, किसी ना किसी की गर्लफ्रेंड होगी वो, या किसी ना किसी का बॉयफ्रेंड होगा, समझा, अगर मैं किसी को इसमें से 20,000 रुपए का एक मोबाइल फोन गिफ्ट देता हूँ, कितने का, मैं किसी को 20,000 रुपए का एक मोबाइल फोन गिफ्ट देता हूँ, ठीक है, तो उसे जो गिफ्ट, या फिर मैं उसे 20,000 कैश दे देता हूँ, चलो, क्या ये उसकी सैलरी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनके रहने के लिए उसको मैंने सैलरी दी, यार प्लीज इसकी गर्लफ्रेंड बनके रहो, 20,000 सैलरी दूंगा ना, ठीक, समझा यहाँ पे. तो क्या ये उस बंदी की सैलरी है बेचारी की, नहीं, ठीक है. और इसको जो 20,000 गिफ्ट मिला है, या फिर किसी मंदिर में जाके मैंने 20,000 डोनेट कर दिए, क्या ये उन्होंने ऐड करने चाहिए, नहीं, क्योंकि उनकी इनकम नहीं है, क्योंकि ये उन्होंने कमाए नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने कमा लिए थे और वेजेस में एक बार ऐड हो चुके हैं, इसमें से ही 20,000 रुपए मैं फ्री में दे रहा हूँ किसी ना किसी को, समझाया पे, ठीक है.
इलीगल मनी अर्न थ्रू स्मगलिंग गैम्बलिंग। ऑब्वियसली ये तो वैसे भी ऐड नहीं होती, कोई बताता नहीं है, समझा यहाँ पे। इलीगल मनी, इलीगल क्यों नहीं, एक बात बताओ, मैंने जो इलीगल इनकम कमाया है क्या वो वेजेस है? नहीं। क्या वो रेंट है? ना, समझा। क्या वो इंटरेस्ट है? नहीं, समझा यहाँ पे, इसीलिए वो भी ऐड नहीं होगा। एंड विंडफॉल गेन्स, विंडफॉल मतलब सडन एंड ह्यूज गेन्स, जैसे लॉटरी जीत ली। सर लॉटरी जीतने को इनकम में ऐड नहीं करते, क्योंकि एक बात समझो सर, इसमें नहीं समझा हमें, आप ऐसे इनकम में क्यों नहीं ऐड कर रहे, पैसे तो कमाए ना, एक बात समझो, हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब नथिंग बट वैल्यू ऑफ, नेशनल इनकम नथिंग बट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। यस और नो, ये आप भी अग्री करते हो कि नेशनल इनकम इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अब अगर इस प्रोड्यूसर ने, प्लीज ध्यान दो, अगर इस प्रोड्यूसर ने 105 रुपए के गुड्स बनाए हैं, तो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से हम 105 ऐड करेंगे। बट यही 105 रुपए जब ये किसी को बेच देता है, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से 105 रुपए ऐड करेंगे, या इस 105 में से 90 रुपीज उसने स्पेंड किए थे और 15 रुपए उसका प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम लोग 90 रुपीज ये ऐड कर रहे हैं और 15 रुपए ये ऐड कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली हम 105 रुपए ही ऐड करने वाले हैं, किसी भी मेथड से 105 रुपए ऐड करने वाले हैं। एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, ये जब 105 रुपए कैलकुलेट किया जा रहा था, तब उसमें से मुझे 10 रुपए सैलरी दी थी। प्लीज ध्यान दो, मैं इस प्रोड्यूसर के पास मैं काम करता था, मुझे 10 रुपए सैलरी मिली थी, वो 10 रुपए सैलरी लेके मैं घर आया और मैंने अपनी वाइफ को 2 रुपए गिफ्ट दे दिए मैंने, तो एक बात समझो, जो 10 रुपए मुझे सैलरी मिली थी वो इस 105 में इंक्लूडेड है, वो यहाँ पे वेजेस में वही इंक्लूड होनी चाहिए। इसमें से 2 रुपए मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ, वो इनकम थोड़ी है, समझा कि नहीं समझा, इसीलिए ऐड नहीं होती है। या लॉटरी की बात करते हैं, मेरी इनकम हुई, लॉटरी लगी मुझे 1 लाख रुपए की, किसका एक्सपेंडिचर है वो? किसी का भी नहीं। क्या प्रोड्यूसर ने मुझे, देखो जो मुझे लॉटरी मिली है, क्या वो पैसे कहीं प्रोडक्शन में यूज हुए? नहीं। जो मुझे सैलरी मिली है, सपोज सैलरी मिली मुझे 1 लाख रुपए की, अगर मेरा बॉस मुझे 1 लाख रुपए की सैलरी दे रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर दिखा रहा है, वो फिनिश गुड्स की वैल्यू में उसे ऐड कर रहा है, तो वो फैक्टर पेमेंट की तरह ऐड होगा। बट अगर मुझे क्या मिल रहा है, लॉटरी, तो ऐड नहीं होगी। अंडरस्टूड? तो लॉटरीज वॉटरीज इसमें ऐड नहीं होते। एंड रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स सच एज शेयर्स बॉन्ड शुड नॉट बी इंक्लूडेड, क्योंकि अगेन ये असेट बेच के आया है, पैसे कमा के नहीं। सोचो अगर मैंने शेयर्स खरीदे और उसे बेच दिए, एक बात समझो, इससे जो मुझे गेन हुआ है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, इससे कोई गुड्स नहीं बने हैं, समझा यहाँ पे, ठीक है। मेजरिंग नेशनल इनकम एज दे आर नॉट रिलेटेड टू जनरेशन इनकम इन द करंट ईयर ऑफ प्रोडक्शन। एक बात समझो, मैंने जो शेयर खरीदा, मैंने एक शेयर खरीदा, 100 रुपए का फेस वैल्यू था उस शेयर का, एक शेयर था जिसका फेस वैल्यू था 100, मैंने उसे खरीदा 110 में। तो एक बात समझो, जब मैंने उसे 110 में खरीदा थ्रू एन IPO, ठीक है, मैंने कंपनी को 110 रुपीज दे दिए, कंपनी इस 110 का इस्तेमाल करके अपने कंपनी अपने गुड्स वुड्स बना रही है। अब ये शेयर में 140 में बेच देता हूं, वेरी गुड, मुझे मिले 140, मेरे गए थे 110, मुझे प्रॉफिट हो गया 30 रुपीज का, बट कंपनी को तो ये 110 ही मिले थे, इतने के ही गुड्स बनाएगी कंपनी, समझा यहाँ पे। तो अगेन दैट मनी इज नॉट एडेड इन द इनकम मेथड ऑल्सो। तो क्या क्या ऐड नहीं होगा इनकम मेथड में, ये भी देख लिया, ठीक है। अब अतुल तुम्हारा सवाल, सर अगर 1 लाख रुपए की इनकम है, वैसे तो ये सवाल सोपान सर को पूछना चाहिए, याद रखना टैक्स कमाते हैं, टैक्स वो पढ़ाते हैं। देखो देर आर डिफरेंट थिंग्स जिसके लिए आपकी इनकम में से पैसे कट सकते हैं। सबसे पहली चीज़, तो आप अगर 1 लाख रुपीज़ कमा रहे हो, तो इसमें आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप जानते हो या नहीं, 5 लाख रुपये तक तो सीनियर सिटीजन्स को वैसे भी इनकम टैक्स नहीं है, समझा। उसके ऊपर अलग अलग रेट से टैक्सेस लगता है। 10 लाख के ऊपर आप कमाते हो तो 30% टैक्स लगता है आपको 10 लाख से ज़्यादा वाली इनकम पे। मतलब अगर आपने 11 लाख रुपए कमा दिए, तो पहले 10 लाख पे आपको कम रेट से टैक्स लगता है, सॉरी अगर आपने 12 लाख रुपए कमाए इस साल में, तो पहले 10 लाख पे कम रेट से टैक्स लगता है, और ऊपर के 2 लाख पे डायरेक्ट 30% टैक्स लग जाएगा, दैट इज 6 लाख रुपीज। अब ये 12 लाख भी कैसे कैलकुलेट करती है, ये इनकम टैक्स एक्ट बताता है, समझा, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, इसके लिए पूरा इनकम टैक्स एक्ट बना के रखा है उन्होंने। 1 लाख, तो वैसे तो सिर्फ 1 लाख कमा रहे हो तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट 5 लाख पे सीनियर सिटीजन को कुछ नहीं लगता है, 3 लाख पे हमारे जैसे नॉर्मल मैन को कुछ भी टैक्स नहीं लगता, समझा। सो आज हम यहीं पे रुकेंगे, हमने क्या क्या देखा, आप एक रीकैप देख लो, ठीक है। घर जाके एक बार फिर से, घर जाके मतलब घर पे ही हो इस लेक्चर के बाद, एक बार फिर से देख लेना, हमने एक्सपेंडिचर मेथड देखा, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया, इनकम मेथड देखा, उसमें क्या इंक्लूड नहीं किया, क्यों इंक्लूड नहीं किया, मैंने आपको डिटेल में समझाया है। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने समझाया है, ठीक है। अब कल हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके बाद हम मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है।
दो दिन में ये चैप्टर भी खत्म कर देंगे हम लोग, दो दो दिन ही है हमारे पास, ज्यादा टाइम नहीं है। चलो ठीक है, विल मीट सून फॉर करंट अफेयर्स। एक 10 मिनट में चालू करते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है, टाटा बाय बाय। एक काम करो, 6:45 करंट अफेयर्स को, 6:45 को आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन है 6:45।